हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा और आप देख रहे हैं एवरी नीड। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे ग्राम पंचायत स्तर पर फ्री इंटरनेट कनेक्शन के बारे में, वो भी हाई स्पीड कनेक्शन। दोस्तों जी हां फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि भारत सरकार का जो डिजिटल इंडिया अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत दोस्तों हर ग्राम पंचायत में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की को प्रोवाइड करवाने का प्रावधान रखा गया है। और पिछले कुछ सालों से यह अभियान जारी है, ग्राम पंचायतों तक नेट पहुंचाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। अधिकतर पंचायतों में अभी फिलहाल मतलब वर्तमान स्थिति तक इंटरनेट कनेक्शन हो भी गए हैं दोस्तों, वो भी फाइबर केबल के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि कई ग्राम पंचायतों तक अभी इस तरह की सूचना पहुँची नहीं है, उनको जानकारी है नहीं है कि उनके ग्राम पंचायत भवन में या ग्राम पंचायत स्तर पर इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि जिस दिन हमारा कनेक्शन होगा उससे एक साल तक के लिए कनेक्शन टोटल फ्री रहेगा, हाई स्पीड इंटरनेट इसमें कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, जिससे आप ग्राम पंचायत भवन में या ई कक्ष जो है आपका, उसमें आपके कंप्यूटर संबंधी जो सामान है, कार्य हैं जो करते हैं आप, वो आप बहुत आसानी से बहुत हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से वो काम आप कर पाएंगे। क्योंकि आप हम सब जानते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर भी बहुत सारे काम, अधिकतर काम आप जिसमें कि कंप्यूटर, लैपटॉप या अन्य जो सामग्री के साथ साथ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन का होना भी ज़रूरी है। तो इसी उद्देश्य से दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर पर ये कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके लिए मैं और जानकारी आपको ये दे दूं कि BBNL जो है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, इसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में ये काम करवाया जा रहा है, जो कि फाइबर केबल जिन ग्राम पंचायतों में है अभी उपलब्ध है BSNL की, उनके माध्यम से ये इंटरनेट कनेक्शन आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और फिलहाल हम MP की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे लगभग 23,000 ग्राम पंचायतों में से 12,000-13,500 ग्राम पंचायतों तक यह कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं दोस्तों। और अन्य जिन ग्राम पंचायतों में भी शेष हैं उन ग्राम पंचायतों में यह काम उपलब्ध करवाने का काम जारी है। इसके लिए मध्य प्रदेश में दोस्तों CSC सोसाइटी जो है, कॉमन सर्विस सेंटर सोसाइटी है, उसके पास ये काम है BBNL के माध्यम से, CSC के थ्रू ये काम करवाया जा रहा है, जिसमें कि ग्राम पंचायत स्तर पर आपको लाइन डाल के ग्राम पंचायत भवन तक आपको ONT जो केबल है वो आप बिछा के इंटरनेट के लिए ग्राम पंचायत भवन में आपको कनेक्शन दिया जा रहा है। जिस दिन दोस्तों आपका ये कनेक्शन होगा उस दिन से आपको अगले एक साल तक के लिए भारत सरकार की योजना अनुसार यह बिल्कुल मुफ्त है। इसके अलावा खास बात इसमें यह है दोस्तों कि आपकी ग्राम पंचायत तक यदि यह केबल पहुँच रही है, इंटरनेट कनेक्शन पहुँच रहा है, तो इसके अलावा दोस्तों ग्राम पंचायत में 5 कनेक्शन इस तरह के दिए जाने हैं, जो शासकीय संस्थाओं में 5 कनेक्शन दोस्तों निःशुल्क प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सबसे पहले जैसे आपकी ग्राम पंचायत में यदि ये कनेक्शन लग गया है, तो इसके अलावा जैसे स्कूल है, आंगनबाड़ी है, या आपकी राशन वाली दुकान है, या छात्रावास है, या स्वास्थ्य केंद्र है, इस तरह के जो शासकीय 5 संस्थाएँ टोटल, इसमें कनेक्शन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वो भी टोटल निःशुल्क अगले एक वर्ष के लिए। दोस्तों इसमें जैसे आपको यदि कनेक्शन लेना है, अभी आपको जानकारी नहीं है आपके यहाँ केबल बिछी है या नहीं बिछी, तो आपको दोस्तों अपने CSC जो है, जिला प्रबंधक, CSC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, या जो CSC कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं VLE, उनसे भी आप संपर्क करके VLE चैंपियन के माध्यम से यह आपकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वहाँ से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म आपको फिलअप करना है, एक पंचायत का आपको लेटर पैड मान लीजिए, वो सील सहित लेटर पैड लगेगा एड्रेस प्रूफ के लिए। इसके अलावा ID के लिए आपकी सरपंच जो प्रधान है या सचिव है, इनके कोई वोटर ID इनको उपलब्ध करवाना पड़ेगा आपको। इसके अलावा इसी तरह अन्य शासकीय संस्था जैसे स्कूल है, आंगनबाड़ी भवन है, उनमें यदि कनेक्शन दिया जाएगा तो उसी यही प्रोसेस लगभग उनके लिए है। दोस्तों दो चीज़ और इसमें मैं आपको खास बता देना चाह रहा हूँ, जिसकी कि आपको ध्यान रखना जरूरी रहेगा। सबसे पहला ये है कि ग्राम पंचायत में मान लीजिए आपके 8 ऐसे शासकीय संस्थान हैं, तो उसमें से आपको 5 का सिलेक्शन करना है, तो आप ये प्राथमिकता से ये देखें कि जहाँ पे कंप्यूटर या लैपटॉप की व्यवस्था है उनके यहाँ उसकी आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए स्कूल में यदि आवश्यकता है कंप्यूटर है वहाँ पे, तो वहाँ पे कनेक्शन दिया जाए। मान लीजिए आंगनबाड़ी में आपको लग रहा है कि आंगनबाड़ी में आवश्यकता नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम भी नहीं है वहाँ पे, तो उसको आप फिलहाल छोड़ सकते हैं। मतलब प्राथमिकता जो कंप्यूटर के कार्य कराने हैं ग्राम पंचायत स्तर पर, कंप्यूटर उपलब्ध हो और वहाँ कार्य की आवश्यकता हो, उसकी इंटरनेट की आवश्यकता हो, तो उस तरह से प्राथमिकता से आप इस तरह के ये कनेक्शन आप करवा लें। उसमें CSC के लिए भी ग्राम पंचायत स्तर पर शायद कनेक्शन दिया जाएगा उसमें। इसके अलावा फ्रेंड्स दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, वो दूसरी बात ये है कि BSNL या BBNL के माध्यम से जो आपकी ग्राम पंचायत तक जो फाइबर केबल पहुँचाई गई है या पहुँचाई जा रही है, वो फाइबर केबल आपकी ग्राम पंचायत में कहाँ से शुरू होकर कहाँ कहाँ से निकली है,
इसका एक आप मैप बना के रखें दोस्तों। सचिव साहिबान से ये निवेदन है कि आप इसका एक मैप बना के रखें कि आपकी केबल अंडरग्राउंड जो केबल है वो कहाँ से आई है, कौन कौन से पॉइंट से आपको आपके ग्राम पंचायत भवन तक या अन्य स्थानों पर ग्राम पंचायत के जो है वहाँ पर आपकी वो केबल पहुँची है। इससे दोस्तों क्या होगा, एक बार आप इसका मैप बना के रखें, ग्रामीणों को भी इसकी सूचना दे के रखें कि आपकी ये केबल नेट वाली केबल जो है कहाँ कहाँ से निकल कर आई है। इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर या शासकीय काम या निर्माण कार्य जो होंगे या अन्य निजी कार्य होंगे उस क्षेत्र में कहीं भी, तो आपको ये नॉलेज रहेगी कि आपकी जो केबल है वो कहाँ कहाँ से आई है, ताकि निर्माण कार्यों के दौरान दोस्तों वो केबल ख़राब ना हो, कटे नहीं। इससे क्या होगा दोस्तों, यदि वो कहीं एक बार केबल ख़राब हो जाती है उसमें जॉइंट लगाना पड़ेगा फिर, और उससे निश्चित रूप से आपको भी जानकारी होगी, यदि जॉइंट से आपको इंटरनेट प्राप्त होगा तो वो जो 100% की समय सीमा जो सीमा है वो आपको 100% वहाँ पर प्राप्त नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं अपनी सेवा में कमी रहेगी दोस्तों। फ्रेंड्स, यदि इसके बारे में आपको और अधिक जानकारी भी प्राप्त करनी हो तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं BBNL, ये भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड की वेबसाइट पर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करना है तो आप CSC गूगल पर सर्च करके CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नंबर निकाल के वहाँ से भी आप चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कनेक्शन लेने के लिए, या कनेक्शन कब तक मिलेगा, लाइन बिछी है या नहीं बिछी आपके ग्राम पंचायत तक, ये सारी जानकारी दोस्तों आपको वहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, और आप अधिक से अधिक ग्राम पंचायत स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं, कर्मचारी अधिकारी, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, उनको नॉलेज में लाएं ये चीज, और जल्दी से जल्दी अपने नेट कनेक्शन प्राप्त करें ताकि शासन की योजना का लाभ मिल सके आपको। और इसके अलावा आपने ग्राम पंचायत स्तर पर जो आप सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं ग्रामीणों को, उसमें भी दोस्तों सहूलियत और जल्दी काम करने की इसमें सुविधा मिलेगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।